हम हरियाणा में चले जाओ तो वहाँ गलत नजरों देखते लोग, वे यूपी वाले भाई कभी ये गड़बड़ ना कर दे। आज यूपी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छवि सुधरी। भारत माता से राष्ट्र किसी को नाराजगी नहीं है, राष्ट्र के नाम पर वोट दी जा रही, योगी जी को वोट दी जा रही, और 70% में किला रहेगा, 30 में सारे चोर रहेंगे। भाजपा ही चाहिए, अगर गुंडों से बचना है, गरीब आदमी को बचाव होगा तो वो केवल गुंडों से ही होगा, और गुंडों से बचने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, हमें तो डर की वजह से वोट, आदित्य जी को डर की वजह से वोट देनी पड़ रही है हमें तो, क्योंकि ये गुंडे हैं, इनकी सरकार आ गई तो हमारा मरना हो जाएगा। कौन गुंडे हैं? सपा वाले गुंडे, अखिलेश जी। अच्छा, कई के वे है चोर है, वे तो खुद चोर, पूरा खानदान चोर, परिवारवाद है, गुंडो का गिरोह है, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। दो एक तो जाली और चले जाएगा, आज हम तो पिटा जेल में और जा लगे। कल उनकी शामली में प्रेस वार्ता हुई, दोनों की लंगोटिया यार है, ये गुहेरे बिच्छू है, अपने शासन प्रशासन की सत्ता हासिल करने के लिए दोस्त बन गए, वो उसे खाओगा और वो उसे खाओगा, कोई किसी का नहीं। यहाँ कल इनकी प्रेस वार्ता हुई, अपने बयान बदल दिए अखिलेश ने, अभी चुनाव और वोट चाहिए ना तो कहला किसानों को सिंचाई फ्री, ट्वेल के बिल माफ वाली बात कही थी, सिंचाई फ्री पे आ गया, अब भी फ्री है सरकारी ट्वेलों का पानी, चलाओ किसान, कोई पैसा नहीं, नहर का चलाओ कोई पैसा नहीं, तो ये कहां से नवा काम कर देगा? ये तो लोगों को बेकार है, बिना मतलब की बात है। नहीं दसन को बेचारे को सांस आने लगा, पड़ा जेल में, उसे जमानत करवानी भारी हो रही, इब दलालू का चोरू का राज नहीं है यहाँ, कांग्रेस भी नहीं कहती है, कांग्रेस का नेता था इमरान मसूद, कहीं और फिर मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, है कही कांग्रेस दिख रही, कही कई दिखाओ को झंडा छतम यहाँ को घूमो पूरे काम में को, जो लोक दल का सपा का कांग्रेस का कोई झंडा मिल गया हमें, अब हम जो है उल्टे लिखा जाएगा टांग तले को तेरी, चल दिखाएगा झंडा हमें। किसको देख रहा है इस बार, कह रहा है युवा तो गठबंधन के साथ चला गया, का है गठबंधन, ठगबंधन है, चोरुआ है, ठगबंधन है, वो ठगबंधन है, बड़े बड़े चोर है, ओम प्रकाश राय किसान है, मजदूर है उस गठबंधन में, कौन सा किसान मजदूर, वो 20,000 करोड़ का मालिक, 1500 करोड़ था से भाई, मैं वो कहा फावड़े का भी पता हो सकेंगे तो चला वे उस बारह दतराली दंत में पिट्ठी दंत में के फर्क हो बारह उन्हें डोल की सके खम कहा तुम भी कुछ बता लो, कहा किसान है, कहा गठबंधन है। तो जयंत चौधरी जी तो किसानों की पार्टी बता रहे हैं, किसान है वे तो, जयंत के बापू ने पता उसे, जो वो गंडे के 10 बिज्जू के नाम बता दे, 2 के बता दे, चाह गंडे में ज्वार में फर्क बता दे, तुम उसे मान जा, कहे तो स्वयं घोषित करे तो हो जाएगा किसान, कहा है किसान, एक भी किसान नहीं सारे, अरे पति दिल्ली लौट रहे इसी में, किसान ही होते किसान योगी है, 100 रुपए का तो कुर्ता, 100 की धोती और मैं चले गए 100 की चप्पल होगी, 20 लाख था 60 लाख की सभी पार्ट कर लेगा, वन तो सरकारी पीछे था इस बार तो कह रहे सरकार बननी है उनकी, कहा सरकार बन रही, कही सरकार वरकार ने 2000 उसमें भी देख लिया, 14 में भी, 17 में देख लिया, 19 में देख लिया, जो माड़ी मोटी खुर्चन या बछरी या साफ हो जाएगी ना, रहा नहीं पा रहे, ये देश छोड़ने वाले हो रहे हैं ना, पर भागण भी नहीं दे रहा मोदी, क्यों मेहुल चौकसी को खींच लिया, नीरव मोदी को खींच लिया, विजय माल्या को खींच लिया, न रहा नहीं पा रहा विदेश में, भाग्य पे भी जान नहीं बचे, न पता जो खारे खाओ को अड्डे का अलग मत इनके, बख्शा नहीं इनका बाप आ रहा, गरीब का बाड़ा का आ रहा है ना, हजम नहीं हो रही है, गाँव गाँव लोक दल हो रही है, सपा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, 20-30 भंगेल ची फिरे पौवा पी के और वे लोटे फिरे, और इस बत्ती कुछ नहीं है, भंगेल ची वीडियो दिखा दूं, बैंक मरे थे फिरे इस बत्ती कुछ नहीं, गांव गया ले 10-5 भंगेल ची और वे इलेक्शन वाले दिन अपनी वोट नहीं करते, पी के ढापड़े उन्हें पता ही नहीं रहता, इस बत्ती कुछ नहीं, कहा है बता, लोकदल हो रही, कोई BDCP के लोकदल का कोई एक विधायक हो, कोई सांसद हो, कहीं है कुछ लोकदल, छपरौली तो लोकदल कहीं गड़ा है, कहा है लोकदल का गढ़ छपरौली, क्यों कुछ हमने बेनम कर रखा उनके और कुछ ले के खा रखा उनका, यहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी टूट ली ऐसी की तसी होली, शरीर की पे मोटरसाइकिल 10 का एवरेज देवे लगी थी, गड्ढू में सड़क थी, इब तम भी हो गए दिखी कैसी, हेमा मालिनी को जैसी सड़क हो रही, यहाँ से मील नवा लगा, हमारे यही पड़ोस में पुल बना, अभी 6 करोड़ का बना, 6 करोड़ हमारे गाँव में मंदिर में दे दिए, 6 किलोमीटर सड़क बनेगी, और ये तो शुरुआत से हुई, सारा ढसरा बिगड़ रहा था, ये भी तो लाइन से लग रही है, अधिकारी को भी दिमाग ठीक करना, और पटरी पावे लग रही लाइन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चल जाएगी 10 दिन में, और वावे लग रही मेट्रो बढ़ो तो लो, मौज आ रही मैट तो मौज आ रही है, क्या कहीं मौज है क्या पूरी इस बार, पूरी मौज है जी, मौज है पूरी, मौज है योगी जी की सरकार में, पहले मौज योगी जी की सरकार में, इतना मजा आ रहा पूछो ना,
सबसे पहले तो बात यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूपी की छवि जितनी खराब थी, यदि हमारा नौजवान कहीं अपने डॉक्यूमेंट लेकर नौकरी की तलाश में चला गया बेंगलोर मुंबई कहीं, अगर ये देख लिया कि यूपी का है बल्कि यही पड़ोस के प्रदेश हरियाणा में, तो उसे होटल में चपरासी या मतलब मजदूर की स्वीपर की जगह भी नहीं मिली। देखो तू तो यूपी का रहने वाला गुंडा पावेगा। सबसे मेन बात तो यह बताऊँ आपको। दूसरी बात यह है कि जयंत की जो है राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय पार्टी कैसी हो न बताओ। राष्ट्रीय शब्द जो लगे पहले किसी चीज के, वो कब लगे? जो पूरे राष्ट्र में व्यापक हो, पूरे राष्ट्र में फैली हुई हो, या खाली छपरौली गढ़ बता रहे आपने भी कई बार पूछ लेने लोगों, तो छपरौली तो गढ़ है, तो छपरौली लोकदल का हो सर, राष्ट्रीय लोकदल क्यों? रही बात यह चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उन्होंने हम किसान बनाए, उन्होंने जो है जो भूमि जमींदारों के अंदर में जमीन थी वो कानून समाप्त करके हमें लोगों को जो है उनके पास जमीन दी जो हमारे अड़तले थी, हम किसान उनके बनाए हुए है, उनके ऋणी है, हम आने वाली संतान भी नहीं ऋणी रहेगी। हम किसान भी चले गए उनके साथ। देखो इससे देखो आप एक बार इस पर कैमरा लगाओ, हम जो है इनको पढ़ते हैं, इनके अनुयायी है हम, चौधरी चरण सिंह जी के, शिष्टाचार इस बुक का नाम है, और जितने भी राष्ट्रीय लोकदल को फॉलो करने वाले जो एक भी व्यक्ति में तुम शिष्टाचार दिखा दो, हम मान जाएंगे चौधरी चरण सिंह के पक्के अनुयायी, हम उनकी साथियों की को छोड़ देंगे। अच्छा, क्यों नहीं है उनमें शिष्टाचार? शिष्टाचार क्यों नहीं है? अगवे दबंगई तक काम कर रहे, जाति विशेष की पार्टी बना दिया उन्होंने इसे। चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे, चौधरी चरण सिंह जी के टाइम पे केंद्र सरकार में भी इनका हस्तक्षेप था इस पार्टी का, और राज्य सरकार में 83 विधायक उनके जीते हुए थे। इसे जातिगत राजनीति में धसा धसा के इसे व्यक्ति मतलब जाति विशेष की पार्टी बना के इसे खत्म कर दिया लोगों ने। दम कह रहे हम जाटों की पार्टी भी नहीं है, जयंत चौधरी जी कह गए जाटों की नहीं है। अजी वे तो कहो जाओ, वे तो राजनीति के आदमी वे तो कहेंगे, लेकिन जो उनको यहाँ फॉलो करते हैं लोग उनकी तो हालत देखो, वे तो कहे महाराजीत महारा जयंत थारा कुछ नहीं लगता, तुम क्यों दो सब वोट हम देंगे महारा, हमने कह दिया ठीक है थारा तुम रखो, हम अपने वाला नेहरा चुन लेंगे। किसानों को भी बताते हैं हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की लड़ाई बताओ, एक भी लड़ी हो बताओ, कौन लड़ी? नहीं लड़ी अंकल, नहीं कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने, तो कह रहे लड़ते हम ही हैं। नहीं, नहीं सरकार बनाएंगे हम? नहीं नहीं सरकार नहीं बनेगी, सरकार भाजपा की बनेगी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों बनेगी भाजपा की? जो वहाँ किसान यूनियन के धरने में जा रहे थे, हमारे अंत कोई धरने में भी नहीं गया, और वहाँ केवल दारू पीने वाले और गुंडागर्दी के लोग गए हुए थे। तो कह रहे इस बार सरकार आ गई, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सरकार तो आनी नहीं चाहिए, हम तो चाहते ही नहीं कि उनकी सरकार बने। आनी नहीं चाहिए उनकी? नहीं जी नहीं नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आनी चाहिए अंकल? किसकी सरकार? अखिलेश की। हाँ। तम कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री। हाँ, देंगे कह रहे हैं। सुनो, वो तो मोल दे के भी बिजली नहीं देने का, मोल हमें भी बेच के बिजली नहीं दीजिए उस पे। अरे भैया मैं एक और बात बताऊंगा, हमारा गाँव जहाँ आप खड़े मुजिजाबाद नांगल, यू बिल्कुल इंटीरियर में, इसके दो साइड में नदी है, यहाँ से आपको जो है 5-5, 6-6 किलोमीटर लो कोई कॉलेज नहीं, और लड़कियों का यहाँ पढ़ना बुरा हाल है, सवारी का कोई साधन नहीं। यहाँ से जो है 6 किलोमीटर तो है रेलवे स्टेशन कासिमपुर खेड़ी, और 6.5 किलोमीटर है बिराल बस स्टैंड। अगर दिन में 3 बजे भी आदमी आके बिराल उतर गया ना जी कासिमपुर खेड़ी, और उसे अगर सवारी या तंगा कुछ नहीं मिला थल का असरपाबाद थलगांव है, तो उस आदमी को रात में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, और नहीं तो डर की मारी मर गया वो आदमी। आज रात को 12 बजे की ट्रेन पकड़े, 11 बजे 1 बजे किसी टाइम जाओ, बैग में रुपये लेकर नुको, मेरे पे 1,30,000 रुपये जो कोई लखा दे, हिम्मत नहीं किसी की। अने सब 12 पाड़ी के गिर दी थी, सब खाली था हमारा खेत काट काट के। हाँ। हम बहुत परेशान थे, परेशान थे। 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं लेनी क्या? अरे भाई तुम 300 यूनिट ठारे ये जाट है ये बोलते नहीं, 600 फीट डीबी इसी अखिलेश ने मारा विधायक था वीरपाल को लगते तरवा दिए थे सदन में, और सचिन और गौरव मारे भाई उन्हें हम भूल देगा अपनी बहन की रक्षा की खातिर में मर गए, जट्टू तो ये धसा हुए बल्ले मारे इनके तो, और ये मीडिया वाले थारे जैसे भी इन्हें बिदकान लग रहे, 25 टिकट दे रखे बीजेपी ने जट्टू को, सारे जाट लड़ रहे, तेजेंद्र निर्वाल शामली था लड़ रहा बाग पत्ते हो गए धामा बड़ोते के पी मलिक सहेंद्र रमाड़ा लड़ रहा छपरौली था संजीव बालियान वो मंत्री सत्यपाल सिंह वो सांसद उमेश मलिक सारे जाट ही तो बना रखे इन्हें तो जट्टू मरवाब जड्डे में वहां तोड़ी नहीं की दही नहर पे मुरादनगर जयंत की तोड़ी दही
और यहाँ कवाल में मरवाए, हम भी मरे, ट्रैक्टर को आने पाए बोलो, यहाँ से तुम जाके देख लो एक बार कवाल में, जो सपा का तुमने नाम ले जा, थारे भी बाले मारने लगेगा लोग। अच्छा। इतने छो में नाराज की बहुत है, मतलब नाराज की नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं, खुद मारेगा इनके, जाट ही तो सरकार बनाऊंगे, जट की तो सरकार है या। अच्छा। इस गठबंधन के साथ चले गए, कह रहे यार गठबंधन के ठग बंधन है चोरू का, गठबंधन हो श्रेष्ठ आत्माओं का, जो ठीक विचार हो, जिनके राष्ट्रहित में हो। और दूसरी बात, किसी विधायक तक नाराजगी हो सके, थोड़ी बहुत हो सके, किसी को काम ना हुए हो, किसी के थाने में फोन ना करे हो, भारत माता से राष्ट्र किसी को नाराजगी नहीं है, राष्ट्र के नाम पर वोट दी जा रही, योगी जी को वोट दी जा रही, और 70% में किला रहेगा, 30 में सारे चोर रहेगी, 30 में रहेंगे सारे चोर, स्थापत्ती हो नहीं, 70% में अकेला योगी है, अकेला सारे एक हो रहे, सारे चोरे को ओम प्रकाश राज बड़ा हुआ था, वो अपनी जाति ठा रहा, जयंत जट वो ठेका ले रहा, बस यू यादव कर मुला का ले रहा, ये सर समाज के नाम पर अपने काम के नाम पर क्यों वोट नहीं मांग रहे, क्यों ये पढ़ रहे, वहां तुम किसान बता रहे, जहां किसानों को चल रहा था, जिसे किसान बतावे, वहां एक गंदा नाला है, और उस गंदे नाले का नाम दूसरा जीबी रोड पट गया था, जीबी रोड में जब बत्ती बताने की जरूरत नहीं, सब पता वहाँ के होता, खूब वीडियो वायरल हुई, मारे वहाँ लोगों को इन्होंने, हंगा मेरी जो कोई आवा था उसे कहते साले कहा जा, किसान काजू बादाम खा रहे, वहाँ से किसान कहा है, किसान तो बढ़िया रोटी खावे, टाइम सुनाओ, उन्होंने बिल्कुल खुलासा कर दिया, डेट वाइज मेरे पास वीडियो है उसकी, डेट वाइज किस तारीख में कितना फंड कौन से देश से आया, और सब जो है किसान यूनियन के नाम पे चलता रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल।